तो ये देखो भाई, जो यहाँ पे आ रखे ना वो बैनर लगाने लग गए हैं और ये बोल रहे कि यहाँ पे लगेगा बैनर। सुने यहाँ लगे खूब सुने यहाँ तो है बुआ बोल मेरे को निकाल दो ब्लॉग में और बढ़िया सब बढ़िया। तो ताऊ जी दिल्ली जा रहे हैं भाई, कल जा रहे हो या परसों जा रहे हो? पैसा नहीं भेज पैसा वो खैट पर्वत के नीचे देखो भाई, किसी ने दोबारा से आग लगा दिया है, वहाँ धुआं दिख रहा है। अच्छा, कल लाइव प्रसारण जो चलेगा वो इस चैनल पे चलेगा भाई, योगेश उनियाल 281। तो मैंने बताया था कि अगर किसी को कुत्ता लेना है तो भैया से संपर्क करे, और भैया का जो नंबर है ना वो ये देखो भाई। अब तो कंफर्म हो गया कि हमारे गांव में राम कथा हो रही है। बैनर तो लगा बट विवाद अभी जारी है भाई। छोटे मुंह से बड़ी बातें सही नहीं लगती। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चा गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो आज है 11 तारीख और मैंने बताया था कि 13 तारीख को है अन्नू का बर्थडे और 15 तारीख से हमारे गाँव में रामकथा स्टार्ट है। तो 15 तारीख को 10 बजे से सुबह होगी कलश यात्रा। तो जितने भी अड़ोसी पड़ोसी गाँव के देख रहे हैं ना, मेन ध्यान तो लोग जो देख रहे हैं, बिकॉज जो कलश यात्रा होती है उसमें कलश जो उठाए जाते हैं वो औरतों के द्वारा उठाए जाते हैं। तो जितने भी ध्यानी लोग देख रहे हैं ना वो सब आ जाना भाई। मैंने पिछले वाले ब्लॉग में रामकथा का कार्ड दिखाया था तो उसमें सबके लिए लिख रखा था, मतलब हमारे गाँव के अगल बगल जितने भी गाँव हैं, जैसे अखोड़ी सैन हो गया, चौरी हो गया, मंथल हो गया, मठियाली हो गया, मेहराब हो गया, और गेहोली हो गया, स्वाड़ी हो गया, और गढ़ूलिया हो गया, इतने गाँव के नाम लिखे थे। तो जितने भी देख रहे हैं हमारे पड़ोसी गांव से, तो सभी लोग इनवाइट है भाई, सारे लोग आ जाना। ये पर्सनली हमारे गांव के लिए नहीं है, जितने भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी गांव है ना सबके लिए। आज का जो मौसम है वो देखो भाई, मस्ती धूप लग रखी है और मेरी दादी देखो भाई बैठ गई यहाँ पे, और हमारे दो पहलवान देखो भाई थक के आ चुके हैं, मम्मी के साथ जा रखे थे, और ब्रूनो देखो भाई क्या खतरनाक सो रखे। और आजकल जो धूप लग रही ना इस टाइम, वैसे धूप ना सर्दी के टाइम दोपहर में लगती थी, आजकल सुबह ही ऐसी धूप लग रही है जैसे दोपहर में लगती है भाई। ये देखो पूरी धूप इधर आ रखी है और इधर सुबह इधर तक आ जाती है भाई। राह से देखो भाई सुबह सुबह कहाँ जा रहा है भाई है? ताऊ जी देखो भाई नीचे पानी लगा रहे भाई खेतों में, आजकल ताऊ जी के यही काम है भाई डेली। और ये देखो भाई कल की जो ताई जी लोग मिट्टी लेके आ रहे थे ना चाचा लोगों के यहाँ से, तो वो मिट्टी यहाँ पे डाल दी है और अब ये फैलानी बाकी है, मम्मी कुछ दिन में फैला देगी इसको भाई। तो आज देखो भाई मम्मी ने मेरी फेवरेट सब्जी बना रखी है, आलू और बड़ी की सब्जी। तो कल रात को आपने देखा होगा मम्मी ने दाल चावल बनाए थे और दाल खराब हो गई थी भाई। मैंने बताया था मम्मी कल गई थी नाना लोगों के यहाँ, वहाँ मंडान था, तो सुबह फ्रिज में दाल रखना भूल गई थी और जिसकी वजह से उस पर बदबू आने लग गई थी रात को। फिर मैं भाभी लोगों के यहाँ से सब्जी लेके आया अपने लिए, और मम्मी ने चावल और रायता खाया भाई, और मैंने सब्जी खाई है, खुद रोटी बनाई अपने लिए, वो तो ब्लॉग में देख ही लिया होगा आपने। अच्छा जानी दुकान जानी दुकान साल बोल रही की मैं कभी बड़ी बात दीदी के यहाँ चली गई, बोल तो खुद ही बनाना पड़ेगा, बोल तो मैं खुद ही बनाता हूँ भाई, मैंने कॉलेज में खुद बनाए हैं 12th के बाद। रह कर दो मैंने मना थोड़ा, 12th के बाद मैं जब ना सबसे पहले देहरादून गया, देहरादून भी मैंने खुद ही खाना बनाया, और मेरे को खाना बनाना सिखाया था सुग्री भाई का एक बड़ा भाई है पंकज, और बिप्पी चाचा आपने देखा होगा, तो मैं नीचे चाचा लोगों के साथ रहता था 12th के बाद, तो वहाँ सीखा था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज गया ना, तो कॉलेज में मैंने अपना रूम ले रखा था, वहाँ भी मैं अकेले बनाता था, इसलिए काफी एक्सपीरियंस है खाना बनाने का। तो भाई आज मैं जल्दी रेडी हो गया था तो मैंने सोचा दादी को ब्रेकफास्ट मैं ही दे दूँ। फाइनली पहुंच चुका हूं घर में और शाम के बज रहे हैं 6:30, तो जब तक घर में आए हैं तब तक देखो भाई दादी की दोस्त आ रखी, सौरभ की दादी और ठीक ठाक खूब तबियत खूब सुनती नहीं है भाई दादी सुने लगे खूब सुनी यहाँ तो है सौरभ फोन है यहाँ तो सौरभ फोन अच्छा वीडियो कॉल पैसा नहीं भेज पैसा
ठाकुर का ना बैठ रखा भाई यहाँ पे देखो इनकी गप्पे सुनने के लिए नितिन पिंसी ना मेरी दादी की वो जब तक चेंज किया भाई तब तक देखो टुम्पी भी आ गई है। हेलो गाइस बोल दे। हाँ और इसको ना मेकअप करने का बहुत शौक है भाई। इस टाइम देखो भाई दीदी की वॉच निकाल दी इसने। तेरे पे थोड़ी आई हो हैं? अच्छा पहले सुमी बोला बोल तूने पहले जब पूछा इसने मैंने बोला मैंने सुमी की वॉच है अब दीदी बोल रहा है बोल तू अच्छा। यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे मस्त गप्पे लग रहे हैं। मेरी दादी का टाइम पास हो जाता है और दादी का भी भाई। तो ये देखो भाई मम्मी ने फ्रीजर पे बोतल रखी होगी और याद ही नहीं रही निकालने की और अभी भी याद नहीं है कि मैंने रखी हो और उस पे बर्फ जम गई पूरी और आप बोल रही कि फूटे ना वाली मैं बाहर ले जाती बोल ढक्कन खोलो ना फटफटेगी वाले मैं नहीं खोल रही बोल ढक्कन खोल करो कुछ नहीं दादी दादी खोलो दादी भाई बोतल को ढक्कन खोली ये पर बर्फ जमी खोल दा जरा पेड़ नहीं खोल ना दादी पास खुला रहे भाई चेक है मुंह में तू नहीं खोल खुल गई चल बहुत बढ़िया और कुरकुरे कौन खाएगा मेरे साथ। तो गाइस घूमने आया था और यहाँ से देखो भाई सनसेट का व्यू क्या मस्त लग रहा है। आज देखो भाई खेत खाली खाली लग रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने दिखाया था यहाँ काफी लोग गुड़ाई करने आ रखे थे और अब सबने गुड़ाई कर ली होगी जिसकी वजह से कोई नहीं दिख रहा आज इधर। तो गाइस घूमने आया था और आशी और तेजू देखो भाई ये दोनों यहाँ पे बैठ रखे क्या कर रहे हो भाई तो चलो आगे चलते हैं तक या क्या घर चलो हम तो ये घूम के आ जाते हैं भाई जब तक मैं यहाँ पे आता चलो एक चक्कर घूमने चलो आगे जा रहा है जब उसने बोला मतलब जो दोस्त जो बोले वही बगड़ी बल बांझ बगड़ी कर देगी पता था से। तो गाइस थोड़ी आगे घूमने गए थे और घर जाते टाइम सामने देखा तो खैट पर्वत के नीचे देखो भाई किसी ने दोबारा से आग लगा दिया है वहाँ धुएं धुआं दिख रहा है बड़ी मुश्किल से खैट पर्वत दिख रहा था और आज फिर किसी ने दोबारा से आग लगा दी है और इधर सामने भी लगा दिया भाई किसी ने बड़ी मुश्किल से बारिश से धुआं साफ हुआ था और फिर दोबारा किसी ने आग लगा दी है। तो तेजस देखो भाई दुकान से कुरकुरा लेके आ चुका है और तेजस जो है ना वो बेबो का बुआ का लड़का है भाई जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि बेबो कौन है। बेबो जो थी वो एपिसोड में भी आती थी हमारे साथ मतलब पहले हम कॉमेडी वाले एपिसोड बनाते थे और पहले तो व्यूज़ अच्छे नहीं जाते थे एपिसोड पे पर अब व्यूज़ जा रहे भाई आजकल मैं देख रहा हूँ तो कमेंट आ रहे हैं एपिसोड पे जिसमें कि आशी का नाम क्या था रमेश रमेश था ना रामू 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 रमेश तो दूसरे वाले आशी का नाम था भाई। तो काफ़ी सारे लोग मेरे को क्यू एन ए ब्लॉग में पूछ रहे थे कि एपिसोड कब आएगा दोबारा तो भाई अब टाइम ही नहीं मिलता पहले टाइम मिल जाता था तो बना लेता था और अब आप देखते होंगे कि संडे को मेरी नींद भाई 10 बजे खुलती है तो इसकी वजह से बनाते भी नहीं है। तेजू तो हमारे साथ घूम के आ गया और कितने दिन से आप ब्लॉग में देख रहे होंगे इसको और ये इस टाइम पूछ रहा हूँ मेरे को मैंने क्या बोलना है बोल तुमको तो इसकी मम्मी को हम दीदी बोलते हैं तो इसने मेरे को बोलना है मामा तो इसीलिए इसने शायद मेरे को नमस्ते नहीं किया इसको पता ही नहीं था कि मेरे को क्या बोलना है इसने हाँ प्रणाम कर देता ना बस बोलना जरूर था कुछ हम तो भयंकर ही करते मतलब बचपन में हम क्या करते थे अब तो रिश्ता पता लग गया पर जब ना हम छोटे थे ना तब हम ऐसे करते ऐसे पता नहीं क्या बोल रहे थे मुंह के अंदर है। तो गाइस रोड पे आए थे और आज वो आ रखे भाई जो सप्ताह करवा रहे हैं उन्होंने हमको ये भी दे दिया भाई और ये देखो ये है कृष्णा और ये है लक्की जिसने थप्पड़ खाई भाई और भाई क्या हाल चाल लवी बोलेगा बोले बोलेगा लवी ताऊ जी आ रखे भाई ये देखो सुक्री भाई के पापा और दीदी लोग भी आ रखे ये देखो सारे ब्लॉग देखते हैं बुआ बोल मेरे को निकालो ब्लॉग में और बढ़िया सब बढ़िया। तो ताऊ जी दिल्ली जा रहे हैं भाई कल जा रहे हो या परसों जा रहे हो तो ये देखो भाई जो यहाँ पे आ रखे ना वो बैनर लगाने लग गए हैं और ये बोल रहे कि यहाँ पे लगेगा बैनर। तो कल तो मैंने कार्ड दिखा दिया था और ये देखो भाई आज पोस्टर भी आ गया जिसमें सब कुछ लिख रखा है 15 तारीख से स्टार्ट है और 23 तारीख तक और इसमें देखो भाई ये लिख रखा है कथा का लाइव प्रसारण जो चलेगा वो इस चैनल पे चलेगा भाई योगेश उनियाल 281। बीपी चाचा देखो भाई अब जाके पोस्टर देख रहे हैं अब जाके मिल रहा टाइम है
अब तो कंफर्म हो गया कि हमारे गांव में राम कथा हो रही है। क्वेश्चन अभी है यार, मतलब किसी को विश्वास नहीं था भाई, मतलब ये प्लान जो बना ना ये रैंडमली बना, हमको भी पता नहीं था। आपने ब्लॉग में देखा होगा मैंने रैंडमली बताया कि हमारे गांव में राम कथा है। तो फिलहाल ये तो पोस्टर लगा रहे हैं भाई, ये देखो, तो फिलहाल ये तो बैनर लगा रहे हैं भाई। और हमारे गांव में ना जितने भी बैनर लगते हैं ना वो यहीं पे लगते हैं भाई। तो गाइस गांव में बैठा था और तब तक रज्जू आया और रज्जू ने बोला कि घूमने चलते हैं, और रज्जू दुकान से कुछ सामान ले रहा है। और मैंने बताया था कि कुत्ते के बच्चे हो रखे भाई इनके, और ये देखो चार कुत्ते के बच्चे भाई, छोटे छोटे व्हाइट वाले हो गए, और दो कुत्ते के बच्चे जो है वो बिग गए। मैंने बताया था कि छह बच्चे हुए थे इनके, छह बच्चे हुए थे ये, और अब सिर्फ चार रह रखे हैं भाई। फ्री में है ना? नहीं। हाँ 2000 में। हाँ। अब 2000 का यही ले जाएगा, कोई तो खाएगा क्या बे? है? खाएगा क्या फिर? है ना? चल मेरे को दे दे एक पैक करके। किस पे मिलते हैं पैक करके? पेटी पे। पेटी पे चल रख, फिर दे रहा हूँ मैं 2000 तेरे को। नहीं पहले पैसे दो भाई साहब, अन्नी दूंगा तब, ऐसे ले जा लूंगा तब। कुत्ता भी नहीं मिलेगा। कुत्ता क्या, मैं उठा के ले जाऊंगा। ये देखो भाई मेरे पास आ गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई बढ़िया। तो मैंने बताया था कि अगर किसी को कुत्ता लेना है तो भैया से संपर्क करे, और भैया का जो नंबर है ना वो ये देखो भाई ऊपर नोट कर लेना यहाँ से, और भैया से बात करना जिसको चाहिए होगा कुत्ता। तो इनमें से ना तीन लड़के हैं भाई और एक लड़की है, तो किसी को भी चाहिए तो कॉन्टेक्ट करें, मैंने नंबर दिया है आपको। घूम के आया था और तब तक भाभी ने बोला भाई कि चाय पी के जाओ, भाई मैं तो नहीं पी रहा था, बट रोज चाय पी के चलते हैं। भाभी ने बोला कि बना रखे हैं, और भाभी ने बोला कि पी के जाओ, जब तक अंदर आए तब तक भाभी बोल रही अभी मैं चाय पत्ती डाल दूँ। अब भाई मेरे साथ गप्पे लगा रही थी भाई, चाय बल गई भाई यहाँ देखो। तो ये देखो भाई भाभी ने गर्म गर्म चाय बना दी है, और भाभी जो है वो रोबिन, आपने ब्लॉग में देखा होगा तो रोबिन की अपनी भाभी। तो हम तो ताई जी लोगों के यहाँ चाय पी रहे थे भाई, और ताई जी अब घूम के आ रही है और सीधा दाल की फलियाँ निकालने पे लग गई। तो पता नहीं था बड़ी क्या हम आए, करते तो घूम जाए तो गाइस घूम के आया था भाभी लोगों के घर पे। और भाभी देखो भाई आज लेट में खाना बना रही है भाभी, अभी आटा गूंद रही है भाई। और एक कमेंट आ रखा था कि निखिल की भाभी आजकल नहीं दिख रही भाई, तो निखिल की भाभी आजकल माई के जा रखी है भाई, तो आजकल इसी वाली भाभी को देख लो भाई। आज हमारे गांव में बैनर लग गया राम कथा का, देखा तुमने? हैं? अच्छा, और बैनर तो लगा बट विवाद अभी जारी है भाई। तो आज रज्जू मैगी लेके आया था भाई, और रज्जू मैगी बना रहा भाई। कल वाले ब्लॉग में मेरे को कमेंट आ रखा था कि अच्छी बात है कि तुम खाना बनाते हो, तो मैंने बताया था कि मैं जब कॉलेज पढ़ता था ना तो मैंने रूम ले रखा था, तो तब से मतलब आती है मेरे को रोटी बनानी। हाँ भाई यार टाइम पास अच्छा हो जाता है भाई। तो भाई जब तक घर में आए हैं तब तक देखो भाई जो मम्मी ने बर्फ वाली बोतल यहाँ पे रखी थी ना, इतनी बर्फ जम रखी थी इसमें, अभी तक पूरी बर्फ भी निकली भाई। मम्मी ने खाना लगा दिया भाई, और मम्मी ये दिखा रही है भाई मेरे को पोस्टर, मैं देख लेता ऊपर में। हाँ जी क्या? ब्लॉग देखते होंगे ना मेरा? अच्छा। तो भाई मम्मी बता रही है कि जो पोस्टर देने आए ना तो वो बोल रही थी कि लवी लवी लोग घर वो काफी सारे लोग मेरे को मिल लेते हैं और काफी शर्माते भी हैं भाई, तो क्या ही कर सकते भाई, आदत होती है किसी की, तो जैसे मेरी आदत है तो वो आदत बदलने में ना काफी टाइम लगता है। काफी लोग मिल लेते हैं और काफी शर्माते भी हैं कि कैसे मिलना है बोल के ना, तो मैंने बताया था जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं ना मेरे को काफी अच्छा लगता है, और मिला करो भाई जिनकी वीडियोस तुम देखते हो, जिनको तुम अच्छा मानते हो। मैं भी किसी को अच्छा मानता हूँ, मतलब बोलते हैं ना कि फैन हो ना किसी का, तो मैं भी हूँ भाई। ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं किसी का फैन नहीं हूँगा, मैं भी नॉर्मली हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे को जो अच्छे लगते हैं ना मैं डायरेक्ट मिलने जाता हूँ भाई, मैं शर्माता नहीं हूँ और ना ही डरता हूँ। तो भाई जैसे ही खाना खाया, और मैंने बताया था कि हमारे घर के आगे नीचे ताऊजी लोगों का ना आम का पेड़ है, तो वहाँ सुअर आ रखे भाई, और ये कालू भाग रहे भाई। ये देखो मैंने टॉर्च किया और उसकी आँख चमक रही है भाई। तो हमारे यहाँ पटाखे बच रखे थे, मम्मी को पटाखे थे नीचे, तो भाई नीचे सुअर आए और ताऊजी बाहर आ गए भाई देखने के लिए। ये देखो और वो भाग गए भाई, जब तक पटाखे फेंगे थे उससे पहले ही भाग गए थे।
तो ये देखो भाई, मम्मी ने संभाल रखे थे पटाखे, और कुछ ये हैं और कुछ अभी अंदर भी हैं। तो दिवाली में बहुत सारे पटाखे लेके आया था, जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे दिवाली में दिखाया था कितने सारे पटाखे लेके आया था, बट जला ही नहीं पाया भाई इतने। और मम्मी ने बोला कि संभाल दे, अब काम आएंगे बाद में। और ब्रोना ना बहुत डरता है भाई पटाखों को देख के। देखो भाई, ब्रोना इतना डरा कि मम्मी को बुला रहे भाई कि दरवाजा खोल ले बोल के। यहाँ देखो तो भाई, रात के बज रहे हैं 10:30। तो मैं बता रहा था कि हमारे गांव में बैनर लग रहा था परसों, जो रामकथा स्टार्ट है, तो बैनर भी लग चुका है। और ये भी बोला था कि विवाद जारी है अभी। तो मैं बता दूं, मैं पहले से बोल रहा था कि हमारे गांव में पहले रामलीला होती थी, उसके बाद रामलीला होना बंद हो गया था, उसके बाद कीर्तन स्टार्ट हुए, बट उसके बाद रेगुलर कोई ना कोई एक्सपायर होता था हर साल, तो इसकी वजह से कीर्तन भी नहीं हुए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि विवाद जारी है मैं का, और भी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे व्यूअर्स अच्छे हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे ब्लॉग, तो उसके बाद सारी चीज़ें रिवील करूँ। मैं इस टाइम वो चीज़ें नहीं बोल सकता, बिकॉज बोलते हैं कि छोटे मुंह से बड़ी बातें सही नहीं लगती। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।